आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट बॉक्स लिस्ट जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ड्रॉप डाउन बॉक्स के बारे में। वैसे हम ड्रॉप डाउन बॉक्स को बनाने के लिए वन लाइन का स्पेस चाहिए और मल्टीपल में से एक ऑप्शन सेलेक्ट होता है ड्रॉप डाउन बॉक्स का। लिस्ट बॉक्स का कोड काफी हद तक ड्रॉप डाउन बॉक्स से सिमिलर है ना, और इसीलिए इसको ड्रॉप डाउन बॉक्स को कॉम्बो बॉक्स भी कहते हैं। कॉम्बो मतलब कि दो दो चीजों के फीचर एक ही टैग में होते हैं और जो डिफरेंसेस हैं वो उसको देखते हुए लिस्ट बॉक्स को हम लोग देखेंगे। लिस्ट बॉक्स में सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये है कि उसमें मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और ड्रॉप डाउन बॉक्स में सिर्फ एक आइटम एट अ टाइम सेलेक्ट हो सकता है। तो कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग लिस्ट बॉक्स को, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर एक मेव फोर करके एक क्रिएट करते हैं फोल्डर और यहाँ पर फिर अपना फॉर्म लिस्ट बॉक्स। तो लिस्ट डेमो और ओपन विद ऐसे मोड। तो यहाँ पर हमने फिर वही तरीका वही रहेगा एचटीएमएल एंड एचटीएमएल ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। ये आपका हेड सेक्शन और ये आपका और टाइटल में हम लोग देते हैं लिस्ट बॉक्स। बॉडी टैग के बारे में हम लोग बात करेंगे। और बॉडी टैग में हम लोग फिर डिवीजन टैग जैसे कि सब कुछ सारा का सारा फॉर्म जो है वो सेंटर अलाइन हो डिवीजन टैग फॉर्म टैग को हम लोग अप्लाई करते हैं। बिना फॉर्म के आप वैल्यू को पोस्ट नहीं कर सकते, तो ये सारे जो कंट्रोल्स बन रहे हैं वो फॉर्म के लिए बन रहे हैं। मेथड इक्वल्स टू आपने गेट रख लिया, एक्शन इक्वल्स टू आपने रिस्पॉन्स पेज एसटीएमएल, फिर आपने टेबल टैग टेबल क्रिएट की टेबल टेबल में आपने स्पेसिंग बॉर्डर कस्टम और विड्थ कस्टम 70% बीजी कलर दैट इज आपने फिर फोर कॉलम का स्ट्रक्चर आपने लिया या और यहाँ पर टीडी इसको कॉपी कर। तो पहले जो है तो ये जो आपने आपने के स्ट्रक्चर बनाया पहले में तो हेडिंग रहेगी, तो हेडिंग वाला जो जो कॉलम कॉलम्स हैं वो उनको आप डिलीट कर दें और पीएच पीएच पॉलिश पैन आपने फोर लिया और यहाँ पर मैंने कहा था कि जैसे क्या कहते हैं
कि आपको लिस्ट बॉक्स में कई आइटम्स एक साथ सेल करें। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग लॉकडाउन के मंथ्स को हम लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं, टोटल मंथ्स हैं 12। तो लॉकडाउन के मंथ्स क्या थे आपके? अप्रैल, मई, नहीं मार्च, अप्रैल और मई। तो तीन मंथ्स जो है अभी तक जो है लॉकडाउन के मंथ्स हैं, 12 में टोटल मंथ्स 12 होते हैं। तो हम लोग लॉकडाउन के मंथ्स को सेलेक्ट करना है, तो 12 में से 3 मंथ्स को सेलेक्ट करना है। तो उस केस में हम लोग 12 की मंथ्स की लिस्ट बनाएंगे, उसमें से 3 मंथ्स को सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमने क्या लिखा, पहले लिखा देखो ये कॉलम तो हम लोग छोड़ते हैं, आपने लिखा सेलेक्ट द मंथ्स ऑफ लॉकडाउन। ठीक है, तो टोटल मंथ्स तो होते हैं 12, और यहाँ पे हम लोग लिस्ट बॉक्स बनाते हैं जिसमें 12 मंथ। यहाँ पर आपने क्या किया कि ये जो कोड है इसको एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि इसके बीच में आपको कोड लिखना पड़ेगा। जैसे ड्रॉप डाउन का कोड था वैसे ही सेलेक्ट। नेम एलबी मंथ। ठीक है, तो ये लिस्ट बॉक्स का क्या है कि लिस्ट बॉक्स से जो वेरिएबल जुड़ा है उसका आपने जो है उसका वेरिएबल का नाम एलबी मंथ लिया, और लिस्ट बॉक्स का जो साइज होगा मतलब एट अ टाइम कितने आइटम फिजिबल होंगे, मैंने किया 5, मतलब साइज का 5 रोज का साइज होगा, मतलब 5 आइटम्स फिजिबल होंगे, है ना। और मल्टीपल सिलेक्शन जो है इसमें किया जा सकता है, तो उसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट हमने और ऐड किया। ये मल्टीपल सिलेक्शन की परमिशन देता है आपके लिस्ट बॉक्स में। तो अब यहाँ पर हम ऑप्शंस में क्या लेते हैं, ऑप्शन आपने दिया जनवरी, आपने यहाँ पर फरवरी, यहाँ पर मार्च, जनवरी, फरवरी, नवंबर। तो ये आपने, आप जानते हो कि जो भी वैल्यू पोस्ट होती है वो वैल्यू में लिखी हुई वैल्यू सर्वर पे पोस्ट होती है। इतना हम लोगों ने बनाया है तो इतने तक का आउटपुट हम देख सकते हैं। तो इसको यहाँ पर ऐसे आप ओपन करें, ये जो लिस्ट बॉक्स आ रहा है तो साइज 5 दिया, तो 1, 2, 3, 4, 5 आइटम्स विजिबल हैं, बाकी सब
आपका देखिए स्क्रॉलिंग पे आपका थोड़ा सा और इसको सही से करते हैं, पहले सबमिट बटन एक बनाते हैं। सबमिट बटन बनाने के लिए क्या है कि यहाँ पर तीन जो कॉलम्स है वो स्कैन सेंटर करते हैं और यहाँ पर राहुल इक्वल्स टू सबमिट से आता है। यहां से भी विड्थ देते हैं, यहां से भी थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं तो सेल पैडिंग को थोड़ा सा आप बढ़ाएं, सेल पैडिंग तो इसको थोड़ा सा अगर आप इंक्रीज करेंगे वैल्यू 10 तो 10 पिक्सल के डिस्टेंस पे। सेल पैडिंग क्या होती है, किसी सेल के अंदर रखे गए एलिमेंट की उसके नियरेस्ट बॉर्डर से मिनिमम डिस्टेंस जो होती है वो आपकी सेल पैडिंग कहलाती है, डिस्टेंस पिक्सल डिस्टेंस होती है। तो दैट्स व्हाई देखो अब पूरा स्ट्रक्चर एक्सपेंड कर गया, तो ये आपका एक लिस्ट बॉक्स जो है ये आपका क्रिएट हो गया। और यहाँ पर आप इसको जब फाइनल हो जाए स्ट्रक्चर तो बॉर्डर को आप जीरो कर दो, ठीक है। तो ये अब इस यहाँ पर जैसे लॉकडाउन मंथ है तो मार्च अप्रैल एंड मई मैंने सेलेक्ट कंट्रोल से मैंने सेलेक्ट करा, कंट्रोल मैंने प्रेस किया एंड फिर मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ तो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर LB मंथ वेरिएबल में मार्च जा रहा है, LB मंथ में अप्रैल जा रहा है, LB मंथ में मई जा रहा है, ये सारी वैल्यूज LB मंथ में जा रही है। तो ये यहाँ तक ये आपके लिस्ट बॉक्स का डेमो है। कोड काफ़ी सिंपल है और ड्रॉप डाउन बॉक्स जैसा ही है, बस यहाँ पर साइज का मतलब क्या है कि आपके लिस्ट बॉक्स में 5 आइटम्स एक साथ विजिबल होंगे, बाकी सब स्क्रॉलिंग पे 1 2 3 4 5 आइटम्स एक साथ। और फिर क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर मल्टीपल मतलब मल्टीपल कंट्रोल प्रेस करके आप क्लिक करके मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, ऐसे कर इसको आप ऐसा कर सकते हो। तो ये जो है ये आपका लिस्ट बॉक्स का डेमो, यहाँ पर ये जो सेक्शन जो था ये पूरा सेक्शन फिनिश होता है, पूरा फॉर्म डिजाइनिंग का सेक्शन। अब आपको असाइनमेंट जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे और फिर आगे वाली वीडियोज में हम लोग देखेंगे इमेजेस के बारे में सबसे पहले, और सुपर और सब स्क्रिप्ट के बारे में देखेंगे, फिर इम्बेड ऑडियो वीडियो और एचटीएमएल पेज के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इसको यहीं पर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, है ना। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और पहले इससे पहले हम एक असाइनमेंट मिलेंगे वो आप लोग को करें।